एंड मेन बात यह है कि वो आपको स्पॉन्सर के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्पॉन्सर के बारे में पूछे तो घबराए नहीं, एंड उसको बोल दे कि मेरे पापा है ये काम करते हैं, उसका बैकग्राउंड बोले, हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल इंडियन इन यूरोप, आई होप कि सब अच्छा चल रहा होगा आपके जीवन में एंड आई होप यू आर वेरी गुड और गुड इवनिंग। अभी मैं यहाँ पे इवनिंग हो रही है इसलिए गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि व्यू काफी शानदार है आपको देखना है तो ये लो आपको एक झलक दिखाता हूँ, यहाँ की सनसेट हो रहा है सामने मेरे ही सामने, और सोचा कि चलो आज वीडियो बना देता हूँ ये मैं। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो वीजा अप्लाई करने वाला है नेक्स्ट ईयर उन लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल शेयर करूंगा कि वीजा के कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं आपको, और इंटरव्यू कैसा होगा, क्या क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू में, ये वीडियो लास्ट तक देखना आप। एंड हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात कि जिन लोगों ने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि हमने बनाया था कि वीजा एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है और वीजा एप्लीकेशन कैसे करें, उसके ऊपर हमने लास्ट वीडियो बनाया था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे वीजा एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन के स्टेप्स क्या है, उसमें कौन से एम्बेसी में आपको जाना पड़ेगा, एम्बेसी में जाके उसकी वेबसाइट में जाके आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, और ये सब हमने उस वीडियो में मेंशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, एंड उसमें एक मैंने चेकलिस्ट भी दी थी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, जब आप वीज़ा की डेट आपकी होगी और जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाओगे तब आपको इतने डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। तो आज हम उसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसमें वो आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली वो पासपोर्ट है, पासपोर्ट सबके पास होना चाहिए और पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। और आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है, जैसे कि मान लो अगर आपका 3 ईयर का कोर्स है तो 3 ईयर के बाद 3 महीना पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए जब अप्लाई करने जाओ वीजा, जब आपकी डेट हो जिस दिन, मान लो कल आपकी अगर डेट है अपॉइंटमेंट की तो आप कल आप अगर जा रहे हो तो कल आपका पासपोर्ट कल से लेके वो समय तक वैलिड होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको मिलेगा एम्बेसी के वेबसाइट से, वहां से वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करिए और मैं सजेस्ट करूंगा कि वो फॉर्म को ब्लैक पेन से फिल कीजिए एंड उसके साथ 2 फोटोज भी अटैच कीजिए। अब आते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कवरिंग लेटर। तो कवर लेटर में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने अपना कवर लेटर कैसे बनाया था, और जब मैं अपनी एप्लीकेशन कर रहा था तो मैंने काफी सारे बंदों से पूछा था कि कवर लेटर कैसे बनाए, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, कैसे लिखना होता है। तो मैंने काफी सारे कवर लेटर पढ़े थे एंड फिर मेरा अपना कवर लेटर मैंने बनाया था और मुझे सक्सेसफुली वीजा भी आ गया था वो कवर लेटर पे। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि मैंने 5-6 पैराग्राफ रखे थे कवर लेटर में। सबसे पहले पैराग्राफ था वो था मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा बैकग्राउंड डिटेल, एकेडमिक करियर, उसमें मैंने अपनी एकेडमिक करियर लिखा था, मेरा बैकग्राउंड डिटेल्स लाइक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, और अपनी पासपोर्ट डिटेल शेयर की थी बस। सेकंड पैराग्राफ जो था वो था कि व्हाई यू शुड सिलेक्ट इटली, व्हाई यू चूज इटली, व्हाई नॉट अदर कंट्री। इसमें मैंने लिखा था कि इटली में ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, ये यूनिवर्सिटीज है, इतने रैंक यूनिवर्सिटीज है, ये सब मैंने लिखा था। थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा था वो लिखा था व्हाई दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस कोर्स, लाइक पर्टिकुलर कोर्स अगर आप ले रहे हो तो वही कोर्स क्यों और ये यूनिवर्सिटीज क्यों। इसमें आप लिख सकते हो कि मान लो कि आप ये यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा फ्यूचर में,
और भी मेंशन कर सकते हो आपके जो बेनिफिट्स है, और ये उसका रैंक भी मेंशन कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है यूनिवर्सिटी, इसलिए मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा हूँ और इसलिए मुझे एडमिशन चाहिए। फोर्थ पैराग्राफ था वो मैंने लिखा था अपने फैमिली और स्पॉन्सर के ऊपर, उसमें मैंने अपने स्पॉन्सर की डिटेल मेंशन की थी, उसका बैकग्राउंड मेंशन किया था एंड उसका अकाउंट नंबर एंड अकाउंट डिटेल मेंशन की थी मैंने उसमें। और फिफ्थ पॉइंट जो था वो मैंने अपना ट्रैवल अकोमोडेशन पे लिखा, उसमें मैंने अपनी ट्रैवल डिटेल, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी और अकोमोडेशन का मेंशन किया था। एंड सिक्स पॉइंट जो था वो कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ये पॉइंट लिखे मेंशन कीजिए, वो था फ्यूचर प्लान्स कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, या आप यहाँ स्टडी करने के बाद आप क्या करोगे, आपका एम क्या है, आप वापिस होम कंट्री में आओगे अपनी और जॉब करोगे या फिर बिजनेस करोगे, क्या आपके प्लान्स है, वो आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। तो ये 6 पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको कवर लेटर में होने ही चाहिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये पॉइंट आप जरूर डालें। और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपका अपना कवर लेटर है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो और उसको रेफर कर सकते हो और उस हिसाब से आप फिर अपना कवर लेटर लिख सकते हो। अब आते हैं हम प्रूफ ऑफ एडमिशन पे, तो उसमें आपको चाहिए अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, जहां से आपने डिग्री की है, डिग्री सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपने 12th किया तो 12th का सर्टिफिकेट, और ये तीनों चीजों को आपको अपोस्टल अटेस्टेड करवानी है अपने ही लाइक कैपिटल सिटी से। मैं गुजरात से हूँ तो मैंने गांधीनगर से करवाया था, वहाँ ऑफिस मंत्रालय होता है वहां से मैंने करवाया था ये, तो आप अपने स्टेट में जो भी कैपिटल है वहां जाके करवा सकते हो। 6 पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट, अभी मेन चीज आती है फाइनेंशियल सपोर्ट में कि स्पॉन्सर किसको दिखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने सेल्फ स्पॉन्सर मत कीजिए कभी भी, क्योंकि ये मेरे दोस्त के साथ एक केस हो गया है कि उसने अपने आप को स्पॉन्सर किया था और उसका वीजा रिजेक्शन आया था, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सेल्फ स्पॉन्सर ना कीजिए। अगर आपके पास खुद के पास इतनी इनकम है, पैसा है, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कीजिए या फिर अपनी मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और उसको एज ए स्पॉन्सर दिखाइए, ये बेस्ट रहेगा। और या तो फिर आपके पास एजुकेशन लोन है तो ये भी बेस्ट है, मैंने भी एजुकेशन लोन ली थी और मैं एजुकेशन लोन पे इटली आया हूँ और उस पर मुझे एजुकेशन लोन पे मुझे वीजा लगा था। तो स्पॉन्सर अगर आपके लाइक फादर या मदर है तो उसका 3 से 5 साल का ITR सबमिट करवाना होता है। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, अगर वो लाइक जॉब कर रहे हैं तो उसके सैलरी स्लिप पास 1 ईयर की या 2 ईयर्स की आप दिखा सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि 1 ईयर की दिखाओ या 6 महीने की भी, 6 मंथ्स की भी दिखाओगे तो भी चलेगा। एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग है कि उसकी लास्ट 6 मंथ की बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी, वो भी जो ब्रांच मैनेजर है उसके साइन और स्टैम्प लगा हुआ होना चाहिए। और अगर आप लोन लेते हो तो उसमें डॉक्यूमेंट चलेंगे, लोन सेंक्शन लेटर ओरिजिनल होना चाहिए, लोन सेंक्शन लेटर कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी अकाउंट का जिसमें आपने लोन लियो। और तीसरी है कि आप अपने आप सेल्फ अफिडेविट करवाना पड़ेगा और लोन स्पॉन्सर लेटर, ये जो लास्ट में जो दो डॉक्यूमेंट मैंने बोले, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे लिखे तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। मैंने अपने मैं जब करवा रहा था एप्लीकेशन तो मैंने ये दोनों डॉक्यूमेंट बनाए थे और मैंने दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे, तो मेरे पास इसका PDF पड़ा है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप रिफर कर सकते हो। एंड अब आते हैं 7th पॉइंट के, जो भी है मेडिकल इंश्योरेंस, तो ये काफी इजी है, आपको पता ही होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी अभी तो काफी सारी है और मैंने बेस्ट मैं तो बोल रहा हूँ सबसे अच्छी है बजाज एलायंस, उसमें जाके वन ईयर का इंश्योरेंस ले लीजिए, वो अच्छा है काफी, मैंने वही लिया था और 3,000 to 3,500 रुपीज में आपको 1 ईयर का इंश्योरेंस वो लोग दे देंगे, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। एंड 8th पॉइंट एयर टिकट, और एयर टिकट अभी खास बात है कि काफी लोग डमी एयर टिकट बुक करा रहे हैं, तो ये डमी एयर टिकट में मान लो जिसका चल गया उसका चल गया और जिसका नहीं चला वो लोग चेक भी करते PNR नंबर और टिकट रेफरेंस नंबर, अगर आपको मतलब उसको अगर ऐसा भी कुछ डाउट हुआ तो वीजा रिजेक्शन के चांसेस काफी सारे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीजा आप एयर टिकट ऐसी बुक कराएं, मान लो कि अगर आपकी डेट 10th अगस्त को है, वीजा समय एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट सबमिटेशन की डेट 10th अगस्त को है, तो आप 2 या 2.5 मंथ आगे की टिकट बुक कराए, लेकिन फ्लेक्सिबल बुक कराए, ओरिजिनल टिकट ही शो करें मैं तो बोलता हूँ, ताकि उससे क्या वीजा गारंटी का श्योरिटी ज्यादा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप एजेंट के पास से भी करवा सकते हो, अगर आपको करवाना है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ओरिजिनल बुक कराए,
और इसमें लिखा है कि राउंड टिकट बुक होनी चाहिए, लेकिन राउंड टिकट तो अभी कर नहीं सकते, तो उसके लिए आपकी रिटर्न टिकट के लिए आपको 2000 यूरो सेपरेटली अपने अकाउंट में शो करने होंगे। ये खास बात है, ये भूल मत जाना। काफी लोग ये नहीं करते हैं और फिर शायद इसके हिसाब से भी वीजा रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आपके पास इनफ फंड नहीं है। तो ये खास ध्यान में रखना कि अगर आपके वन वे टिकट बुक कर रहे हो तो 2000 यूरो रिटर्न के अलग से आपको शो करने हैं बैंक। और लास्ट पॉइंट है एकोमोडेशन तो आप booking.com से भी बुक कर सकते हो, मैंने भी वही किया था, काफी इजी है, फ्लेक्सिबल है और आपको चार्ज भी नहीं लगेगा, एंड आप कैंसिल भी कर सकते हो लाइक बिफोर 10 to 15 days। ये बेस्ट ऑप्शन है, booking.com में जाइए, एकोमोडेशन बुक कीजिए लाइक फॉर 15 days to 1 month, आपका जो मतलब आपको जो सही लगे वो कीजिए, एंड आप कभी भी कैंसिल कर सकते हो उसको। जब वीजा मतलब आपकी वीजा लग जाए या आपका मेल आ जाए कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप कैंसिल कर सकते हो, मेरे लिए ये बेस्ट है। सबसे मेन बात है ये जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए ना उसकी सब की आपको कलर जेरोक्स करनी है, एक फाइल में रखनी है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कलर जेरोक्स सारे की कलर जेरोक्स करनी है और कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है। मेन बात की कोई भी ओरिजिनल सबमिट नहीं करना है, सबको आपको कलर जेरोक्स रखनी है, एक्सेप्ट आपका अगर लोन है तो लॉन्ग सेंक्शन लेटर और बैंक बैलेंस स्टेटमेंट वो ओरिजिनल होना चाहिए सारे, बाकी सब की आपको कलर जेरोक्स ही करनी है, वही सबमिट करनी है। अब बात करते हैं वीजा इंटरव्यू की, तो काफी सारे बच्चे डर जाते हैं और अंदर अंदर ही एक फियर आ जाता है बच्चों में कि लाइक क्या सवाल क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग और कैसे टैकल करना इंटरव्यू को। तो इंटरव्यू काफी सिंपल होता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने एप्लीकेशन किया था तब कोई इंटरव्यू नहीं था ऐसा, तो मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, लेकिन मेरे काफी सारे एक 4 से 5 दोस्त थे, मैंने उससे पूछा, वो लोग दिल्ली से कोलकाता से, तो उन लोगों का इंटरव्यू हुआ था और उन लोगों ने बोला कि इंटरव्यू इतना इजी मतलब इतना हार्ड भी नहीं रहता, इतना इजी भी नहीं रहता है, मीडियम रहता है। बस मेन चीज ये है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, मतलब जिस पॉइंट पे कॉन्फिडेंस लूज किया उनको शक हो जाता है कि ये या तो इसमें कुछ डाउट है या तो फिर ये फर्जी है या तो फिर डॉक्यूमेंट गलत सबमिट करवाया है, डॉक्यूमेंट गलत हो सकता है, उसको डाउट कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कॉन्फिडेंस ना लूज कीजिए और आप हो सके उतना शॉर्ट ब्रीफ आंसर दीजिए लाइक 40 to 50 seconds में। जैसे कि वो लोग आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में पूछेंगे तो मिनिमम 1 minute में आंसर दे दीजिए, आप लेंदी ना बनाए उसको। और जो क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस वो आप लोगों को पूछ सकते हो वो है, सबसे पहली बात कि आप यूनिवर्सिटी, आपका फीस स्ट्रक्चर, आपका कोर्स स्ट्रक्चर और आप जिस कंट्री में जा रहे हो, मान लो कि आप इटली में आ रहे हो तो यहाँ का इटालियन कंट्री का रिसर्च करके आए, यहाँ के लोग कैसे, कल्चर कैसा है, यहाँ के फेस्टिवल क्या है, सिटीज और कैपिटल क्या, ये सब थोड़ी सी रिसर्च करके आए, अपने कोर्स के बारे में भी थोड़ी सी रिसर्च करके जाए। एंड मैं तो बोलूँगा कि अपना कोर्स में जो सिलेबस है, तो सब्जेक्ट से सारे उसके क्रेडिट से वो सब ऊपर से मतलब ब्रीफली आप रिसर्च करें, ब्रीफली पढ़ लें और सब्जेक्ट में क्या क्या आता है ब्रीफली वो भी पढ़ लें। शायद वो भी आपको पूछ सकते हैं कि मान लो कोई सब्जेक्ट आईटी में जा रहे हो तो कंप्यूटर साइंस में लाइक सी लैंग्वेज या कोई उठा के पूछ ले कि इसमें क्या है, छोटी सी स्टेटमेंट पूछ ले, तो ये सब ब्रीफ थोड़ी सी रिसर्च करके जाए तो आपके लिए अच्छा होगा और वीजा गारंटी की श्योरिटी ज्यादा होगी। एंड मेन बात यह है कि वो आपको स्पॉन्सर के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्पॉन्सर के बारे में पूछे तो घबराए नहीं, एंड उसको बोल दे कि मेरे पापा है ये काम करते हैं, उसका बैकग्राउंड बोले और ये हमारा लाइक बिजनेस है, यहाँ पे काम वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो इतनी सैलरी है और ये ITR है, मैंने जैसे सबमिट करी दिया आप देख सकते हो, लाइक कॉन्फिडेंस से बोले उसको। और एक बात भी है, अगर मान लो वो आपको पूछे कि आपने खुद से एप्लीकेशन किया या फिर थर्ड पार्टी से करवाया, अगर आपने थर्ड पार्टी से करवाया भी होता है लेकिन फिर भी आप उसको यही बोलना कि मैंने खुद से किया है और ये जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया वो अपने आप ही किया है एंड मुझे इसमें एडमिशन आ गया है और मैं इसमें अपने आप से प्रोसेस कर रहा हूँ। ऐसा कभी ना बताए उसको, बोले कि लाइक मैंने अपने कंसल्टेंसी से करवाया फिर किसी और से करवाया, क्योंकि ये एक लाइक ड्रॉबैक है, तो ये खास ध्यान रखें। और अगर कोई भी बात यहाँ पे छूट रही हो या फिर कोई क्वेश्चन आपको हो या फिर मैं कोई बातें बोलना भूल गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा और उसमें आपको लाइक कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें मैं आपको लिख के भेजूंगा। एंड दैट्स इट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बोलिए, तो हम अगर हो सके तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकते हैं एंड वो अपलोड हो जाएगा लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे में भी, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे कोई भी डाउट हो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।